जय शनिदेव मित्रों, मैं सचिन शर्मा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और शनिदेव से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोगों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें और आप सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण करें। मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स का धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोगों का सपोर्ट मुझे ऐसे ही मिलता रहेगा। मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स के लिए जल्द लेकर आ रहा हूँ मिथुन लग्न के जातकों के लिए वर्ष 2022 कैसा रहेगा। 2022 मिथुन लग्न के जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि 2022 में राहु गुरु और शनिदेव का राशि परिवर्तन है जो कि आपके जीवन में कुछ ऐसे बदलाव करेगा जिसकी कल्पना आपने नहीं की होगी। तो क्या होगा वो, जिससे बदलेगा आपका जीवन, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स का पता चलता रहे। हम इस वीडियो में सिर्फ मिथुन लग्न के जातकों के लिए सितंबर 2021 कैसा रहेगा सिर्फ उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, इस वीडियो के अलग अलग सेक्शन में हम चर्चा करेंगे आपके कैरियर संबंधित सितंबर का महीना कैसा रहेगा, आपके फाइनेंस संबंधित सितंबर का महीना कैसा रहेगा, आपके रोमांस संबंधित सितंबर का महीना कैसा रहेगा, आपके फैमिली संबंधित सितंबर का महीना कैसा रहेगा, आपके स्वास्थ्य संबंधित सितंबर का महीना कैसा रहेगा और अंत में हम चर्चा करेंगे उन महत्वपूर्ण उपायों की जिन्हें सितंबर के महीने में करने से आपको लाभ प्राप्त हो। यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में 3 नंबर लिखा है और उसके साथ उसी भाव में LA लिखा है जैसा कि आप देख रहे हैं, और यदि आप अपनी कुंडली हिंदी में देख रहे हैं तो वहां प्रथम भाव में LA के स्थान पर हिंदी में ल लिखा होगा, तो यह मासिक राशिफल सितंबर 2021 आपके लिए है। बाकी सभी लग्न के लिए आप मेरे दूसरे वीडियो देख सकते हैं। इस महीने में गुरु का और शुक्र का बहुत ही महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन है। गुरु वक्री अवस्था में इस महीने में शनिदेव के साथ युति में होंगे, तो इसका आपके कैरियर पर, आपके पारिवारिक जीवन पर, आपके स्वास्थ्य पर, आपके फाइनेंसेस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इन सभी विषयों पर भी डिटेल में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सर्वप्रथम बात करते हैं आपके कैरियर संबंधित सितंबर का महीना कैसा रहेगा। 1 से 6 सितंबर तक का समय आपकी कुंडली कुछ इस प्रकार दिखेगी जैसा आप देख रहे हैं। वर्तमान समय में मंगलदेव और सूर्यदेव की युति आपकी कुंडली के 3रे भाव में है, शुक्रदेव और बुधदेव की युति आपकी कुंडली के 4थे भाव में है, केतु आपकी कुंडली के 6ठे भाव में है, राहु आपकी कुंडली के 12वें भाव में है, शनिदेव आपकी कुंडली के 8ष्टम भाव में स्वराशि में है और गुरु आपकी कुंडली के 9वें भाव में है। तो चलिए चर्चा करते हैं कि इन सभी ग्रहों का आपके कैरियर पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। वर्तमान समय में मंगलदेव और सूर्यदेव की युति आपकी कुंडली के 3रे भाव में है। मंगलदेव और सूर्यदेव की युति कुंडली के 3रे भाव में होना आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी कर सकती है, जातक के सेल्फ कॉन्फिडेंस में आपके आत्मबल को बहुत अधिक बढ़ावा देती है। आप में एक सकारात्मक ऊर्जा बनती है जो आपके कार्य को सकारात्मक सोच के साथ, भरपूर आत्मविश्वास के साथ आगे लेकर जाती है। सूर्यदेव का 3रे भाव में होना आपके कार्य में आपकी यात्राएं बढ़ा सकता है। जो जातक सोशल मीडिया से जुड़े हैं ऐसे जातकों को यहाँ बहुत ही सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। यदि आपका कार्य ऑनलाइन भी है, अर्थात आप इंटरनेट के माध्यम से जुड़कर कोई कार्य करते हैं, तो उसमें भी आपको बहुत ही शुभ फल देखने को मिलेंगे। यदि आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ किसी प्रकार का कोई बिजनेस चला रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलने की संभावना बहुत अधिक बनी हुई है। यहां पर आपकी धर्म कर्म के कार्यों में रुचि बढ़ सकती है, आप किसी प्रकार के धार्मिक कार्यों में सम्मिलित हो सकते हैं, आपकी यात्राएं धार्मिक स्थलों पर भी होने की संभावना यहां बनी हुई है। यदि आप राजनीति से जुड़े हैं तो उसमें भी आपको बहुत ही सकारात्मक परिणाम यहां देखने को मिलेंगे। जो विद्यार्थी सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं उनके लिए भी यह समय बहुत ही उचित समय रहेगा, आपको अपनी मेहनत अनुसार लाभ मिलने की संभावना यहां बनती है। वर्तमान समय में बुधदेव आपकी कुंडली के 4थे भाव में स्वयं की राशि में है, जिसके कारण आपको बुध के बहुत ही शुभ फल यहां देखने को मिलेंगे। शुक्रदेव भी आपकी कुंडली में 4थे भाव में है और पंचमेश हैं। बुध और शुक्र की युति आपको प्रॉपर्टी में किसी प्रकार का लाभ यहां दिलवा सकती है। आप यदि प्रॉपर्टी में निवेश करने का प्लान बना रहे हैं तो ये समय उपयुक्त समय रहेगा। यदि आपका मानसिक तनाव आपकी नौकरी को लेकर बना हुआ था तो उसमें आपको कमी आती दिखाई देगी। पिछले कुछ समय से यदि आप नौकरी ढूंढ रहे थे और उसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी तो उसमें भी आपको सफलता मिलने की संभावना यहां बनती है। आपका रुका हुआ कार्य
आगे बढ़ता दिखाई देगा। वर्तमान समय में गुरु आपकी कुंडली के नवम भाव में अर्थात भाग्य भाव में है। गुरु का नवम भाव में होना आपको धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ावा देता है। आपका भाग्य आपका साथ देता दिखाई देगा। और यदि पास्ट में आपके कार्य आपके भाग्य के कारण रुक गए थे, उसमें बाधाएं आ रही थी, तो वो धीरे धीरे यहां पर बाधाएं कम होती दिखाई देंगी। यदि आप धार्मिक स्थलों के साथ जुड़कर किसी प्रकार का कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलने की संभावना बहुत अधिक बनी हुई है। आपको आने वाले समय में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आने वाले समय में आपकी नौकरी को लेकर आपके बिजनेस को लेकर छोटी बड़ी यात्राएं होने की संभावना अधिक बनी हुई है। ये यात्राएं धार्मिक स्थल पर भी होने की संभावना है, जिसके कारण आपको कुछ समय पश्चात इन यात्राओं से लाभ मिलेगा। वर्तमान समय में शनिदेव स्वराशि होकर आपकी कुंडली के अष्टम भाव में वक्री अवस्था में है। शनिदेव का अष्टम भाव में होना आपके व्यवहार में धीरे धीरे बदलाव लेकर आ सकता है। हो सकता है आप अपना ध्यान विभिन्न विभिन्न दिशाओं में लगाना प्रारंभ करें। ये आपको थोड़ा आलसी भी बना सकता है। ये आपको आपकी फैमिली से आपके परिवार से दूर लेकर जा सकता है। अर्थात हो सकता है आपकी नौकरी कहीं दूर लगे, हो सकता है आपकी नौकरी के कारण आपको कहीं दूर जाना पड़े। यहाँ पर आपको अपने वर्क लाइफ को बैलेंस करने में थोड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। शनिदेव की वक्री अवस्था होने के कारण आपके कार्य में थोड़ा धीमापन आने की भी संभावना बहुत अधिक यहाँ बनी हुई है, जिसके कारण आपकी मानसिक परेशानी बढ़ सकती है। शनिदेव का अष्टम भाव में होना आपको आपके पार्टनरशिप बिजनेस में कुछ बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। आप यदि किसी प्रकार का फैमिली बिजनेस चला रहे हैं तो उसमें आपको किसी प्रकार का अप्रत्याशित लाभ दे सकता है। अष्टम भाव में शनि आपको काला जादू, एस्ट्रोलॉजी रिसर्च, जासूसी ऐसे कार्यों की तरफ अधिक आकर्षित करता है। इसका आपके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इस पर हम अपने स्वास्थ्य संबंधित सेक्शन में आगे चर्चा करेंगे। यहाँ पर ऐसे जातकों को कुछ लाभ मिल सकता है जो लोग रिसर्च अर्थात शोध के कार्य से जुड़े हैं, जो लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के कार्य से जुड़े हैं, जो लोग कृषि से जुड़े हैं, ऐसे जातकों को यहाँ लाभ मिलता दिखाई देगा। वर्तमान समय में शनिदेव आपकी कुंडली के अष्टम भाव में है। आप शनिदेव के उपाय अवश्य करें, आपको लाभ मिलेगा। वर्तमान समय में राहु आपकी कुंडली के 12वें भाव में है, जिसके कारण आप किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े से थोड़ा दूर रहें। यदि आप विदेश में हैं तो आपको यहाँ किसी प्रकार की कानूनी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, इसका आप विशेष ध्यान रखें। जो जातक विदेश जाना चाहते हैं, जो जातक विदेश में नौकरी ढूंढ रहे हैं और उनको सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो आपको यहाँ किसी प्रकार का कोई शुभ अवसर अपने विदेश से संबंधित किसी भी कार्य में मिलने की संभावना यहाँ बनी हुई है। आप यदि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के कार्य से जुड़े हैं तो यहाँ आपको कुछ अच्छे अवसर मिलते दिखाई देंगे। आपको यहाँ अपने बिजनेस में शुभ फल देखने को मिल सकता है। यदि आप किसी प्रकार के ऑनलाइन के कार्य से जुड़े हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलती दिखाई देगी। आपको क्या उपाय करने हैं, मैंने उपाय सेक्शन में बताए हैं, आप वो अवश्य करें, आपको लाभ मिलेगा। 6 से 18 सितंबर तक का समय आपकी कुंडली कुछ इस प्रकार दिखेगी जैसा आप देख रहे हैं। यहाँ पर मंगल देव का गोचर आपकी कुंडली के 3रे भाव से आपकी कुंडली के 4थे भाव में होने जा रहा है, और शुक्रदेव का गोचर आपकी कुंडली के 4थे भाव से आपकी कुंडली के 5म भाव में होने जा रहा है, जो इस महीने का सबसे महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन है। मंगलदेव आपकी कुंडली में मारक ग्रह हैं, तो यहाँ पर बुधदेव के सकारात्मक प्रभाव को थोड़ा कम कर सकते हैं। मंगलदेव की दृष्टि आपकी कुंडली के 7म भाव पर, 10म भाव पर और 11वें भाव पर होगी, जिसके कारण आप यदि पार्टनरशिप बिजनेस में हैं तो आपका तनाव आपके पार्टनरशिप बिजनेस को लेकर बढ़ सकता है। आपके आपके पार्टनर के साथ किसी प्रकार का तनाव की स्थिति बढ़ती दिखाई देगी। आप यदि नौकरी बदलने का प्रयास कर रहे हैं तो इस समय थोड़ा सावधान रहें, किसी भी प्रकार की जल्दबाजी में नौकरी ना बदलें, अन्यथा आने वाले समय में आपकी मानसिक परेशानी बढ़ सकती है। इसका आपके फैमिली लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इस पर हम अपने फैमिली रिलेटेड सेक्शन में आगे चर्चा करेंगे। शुक्रदेव आपकी कुंडली में पंचमेश हैं और वर्तमान समय में 5म भाव में हैं, जिसके कारण आपको बहुत ही शुभ फल शुक्रदेव के देखने को मिलेंगे।
यहाँ पर आपको आपकी मेहनत अनुसार लाभ मिल सकता है। आपकी नौकरी में यदि आपका प्रमोशन रुक गया था तो उसमें आपको सफलता मिलती दिखाई देगी। आपकी नौकरी में विदेश यात्रा होने की संभावना यहाँ बहुत अधिक बनी हुई है। जो जातक मीडिया से जुड़े हैं, जो जातक किसी प्रकार के रचनात्मक कार्यों से जुड़े हैं, जो जातक इंटीरियर डिजाइनिंग फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हैं, ऐसे जातकों को यहाँ अत्यंत शुभ फल मिलने की संभावना बनी हुई है। 19 से 26 सितंबर तक का समय आपकी कुंडली कुछ इस प्रकार दिखेगी। जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ पर सूर्य देव का गोचर आपकी कुंडली के तीसरे भाव से आपकी कुंडली के चौथे भाव में होने जा रहा है और गुरु वक्री अवस्था में आपकी कुंडली के नवम भाव से आपकी कुंडली के अष्टम भाव में होंगे, जो इस महीने का बहुत ही महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन है, क्योंकि यहाँ गुरु और शनिदेव की युति एक बार फिर बनने जा रही है। सूर्यदेव का चौथे भाव में होना आपको आपके मामा की तरफ से किसी प्रकार का कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट दिलवा सकता है। हो सकता है आपको आपके कार्य के लिए किसी प्रकार के ऑफिस की आवश्यकता हो, तो उसमें आपको आपके मामा अथवा उनके बच्चों की तरफ से किसी प्रकार की मदद मिलने की संभावना भी बनी हुई है। सूर्यदेव यहाँ मंगलदेव के नकारात्मक प्रभावों को थोड़ा कम करेंगे। सूर्यदेव के चौथे भाव में होने से ऐसे जातकों को बहुत ही सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। जो लोग सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं अथवा यदि आपकी नौकरी में किसी प्रकार का तनाव चल रहा था, तो उसमें आपको कमी आती दिखाई देगी। आपका मानसिक तनाव आपकी नौकरी को लेकर थोड़ा कम होता दिखाई देगा। वर्तमान समय में मंगलदेव और सूर्यदेव की युति आपकी कुंडली के चौथे भाव में है और इनकी दृष्टि आपको अपने कार्य के प्रति बहुत अधिक ऊर्जा दिलवा सकती है। आपके नकारात्मक विचार आपके कार्य के प्रति समाप्त होंगे। आपने इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको अपने कार्य स्थान पर अथवा अपने बिजनेस में किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े से थोड़ा दूर रहना है, अन्यथा ये आपकी छवि को भी धूलित कर सकता है। जो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य से जुड़े हैं, जो लोग मैनेजमेंट में हैं, जो लोग खेलकूद के कार्य से जुड़े हैं, ऐसे जातकों को यहाँ कुछ शुभ फल देखने को मिलेंगे। गुरु का गोचर आपकी कुंडली के अष्टम भाव में है, जहां से गुरु की दृष्टि आपकी कुंडली के 12वें भाव पर, दूसरे भाव पर और चौथे भाव पर होगी, जैसा आप इन एरो की मदद से देख पा रहे हैं। गुरु और शनिदेव की युति आपकी कुंडली के अष्टम भाव में है, जिसके कारण जो लोग किसी प्रकार के समाज सेवा जैसे कार्य से जुड़े हैं, जो लोग डॉक्टर हैं, जो लोग रिसर्च अर्थात शोध के कार्य से जुड़े हैं, जो लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हैं, ऐसे जातकों को यहाँ बहुत ही शुभ फल देखने को मिल सकते हैं। शनिदेव और गुरुदेव की युति आपको धर्म कर्म के कार्यों में आगे लेकर जा सकती है। आपका रुझान धर्म कर्म के कार्यों में यहाँ बढ़ सकता है। आपकी आस्था यहाँ भगवान में अधिक बढ़ने की संभावना भी बनी हुई है। आपकी रुचि ज्योतिष शास्त्र, जादू, जीवन के कुछ अनसुलझे पहलुओं में अधिक होने की संभावना भी यहाँ बनती है। इस युति का आपके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इस पर हम अपने स्वास्थ्य संबंधित सेक्शन में आगे चर्चा करेंगे। 27 से 30 सितंबर तक का समय आपकी कुंडली कुछ इस प्रकार दिखेगी। जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ पर बुधदेव का गोचर आपकी कुंडली के चौथे भाव से आपकी कुंडली के पंचम भाव में होने जा रहा है। यहाँ पर लगन भाव का स्वामी आपकी कुंडली के पंचम भाव में होगा, जिसके कारण आपको यहाँ बहुत ही शुभ फल देखने को मिलेंगे। बुधदेव और शुक्रदेव की युति आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगी, क्योंकि यहाँ पंचमेश और लग्नेश की युति आपकी कुंडली के पंचम भाव में है। यहाँ पर आपकी सोच में एक स्थिरता आएगी, आपकी सोच सकारात्मक बनेगी, आपको कुछ नया आइडिया अपने कार्य में क्लिक कर सकता है, जिसके कारण आप किसी प्रकार का कोई नया बिजनेस अपनी नौकरी के साथ पैरेलली यहाँ प्रारंभ कर सकते हैं। यदि आपको अपने बिजनेस में आपकी मेहनत अनुसार लाभ नहीं मिल पा रहा था, तो वो यहाँ मिलना प्रारंभ होगा। आपके बिजनेस में विस्तार होने की संभावना भी यहाँ बनी हुई है। तो ये था आपके कैरियर संबंधित सितंबर का महीना कैसा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके स्वास्थ्य संबंधित सितंबर का महीना कैसा रहेगा। वर्तमान समय में आपको आपके स्वास्थ्य को लेकर बहुत अधिक सतर्क रहना होगा। ये समय शनिदेव और गुरु की युति आपकी कुंडली के अष्टम भाव में बनने जा रही है, जिसके कारण यदि आपको आपके मस्तिष्क से संबंधित और पेट के निचले हिस्से से संबंधित और नसों से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या चल रही है, तो वो यहाँ बहुत अधिक परेशान आपको कर सकती है, जिसके कारण आपको नींद आने में भी समस्या हो सकती है। आप यदि वाहन चलाते हैं अथवा जिम जाते हैं तो थोड़ा सावधान रहें। जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको बहुत अधिक सावधान यहाँ रहना होगा। 12 से 16 सितंबर के बीच आपको
मानसिक परेशानी बढ़ सकती है, आपको यहाँ नींद आने में समस्या उत्पन्न हो सकती है। आप मेडिटेशन अवश्य करें क्योंकि यहाँ पर आपकी बेचैनी भी बहुत अधिक बढ़ने की संभावना बनी हुई है। तो ये था आपके स्वास्थ्य संबंधित सितंबर का महीना कैसा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके फाइनेंस और वित्त संबंधित सितंबर का महीना कैसा रहेगा। 18 सितंबर तक का समय आपके वित्त के लिए शुभ समय रहेगा। यहाँ आपके सेविंग्स में बढ़ोतरी होगी, आपका मानसिक तनाव आपके वित्त को लेकर कम होगा। 18 सितंबर के बाद का समय आपके खर्चों में बढ़ोतरी होने की संभावना भी यहाँ बनी हुई है। खर्चे आपके स्वास्थ्य को लेकर अधिक बढ़ सकते हैं, थोड़ा सावधान रहें। 10 से 12 सितंबर के बीच आपको कहीं से धन लाभ हो सकता है, आपको आपके फाइनेंसेस में वृद्धि होती दिखाई देगी, कहीं से पैसा मिलने की संभावना भी आपको बनी हुई है। 14 से 16 सितंबर के बीच आप कहीं किसी प्रकार का कोई निवेश ना करें, अन्यथा किसी प्रकार का निवेश आपको आने वाले समय में मानसिक परेशानी में डाल सकता है। तो ये था आपके फाइनेंस संबंधित सितंबर का महीना कैसा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके रोमांस और प्रेम संबंधित सितंबर का महीना कैसा रहेगा। जो लोग सिंगल हैं वो 11 से 14 सितंबर के बीच किसी प्रकार के रिलेशनशिप में, आप किसी प्रकार के प्रेम संबंध में यहाँ पड़ सकते हैं। देखिए, जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए 10 सितंबर के बाद का समय बहुत ही शुभ समय रहेगा। यहाँ पर आपके रिश्ते मजबूत होंगे। आपका यदि किसी प्रकार का कोई तनाव आपके रिलेशनशिप को लेकर बना हुआ था वो यहाँ दूर होगा। आपके प्रेम संबंधों में सुधार आने की संभावना बनी हुई है। तो ये था आपके रोमांस संबंधित सितंबर का महीना कैसा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके परिवार संबंधित सितंबर का महीना कैसा रहेगा। 8 सितंबर तक का समय आपके छोटे भाई बहनों के साथ किसी प्रकार का तनाव बढ़ सकता है। ये तनाव आपके बिजनेस को लेकर हो सकता है, ये तनाव आपके पारिवारिक प्रॉपर्टी को लेकर भी हो सकता है, इसका आपने विशेष ध्यान रखना है। 18 सितंबर तक का समय आपके वैवाहिक जीवन के लिए शुभ समय रहेगा। यदि पिछले कुछ समय से आपका किसी प्रकार का कोई तनाव आपके वैवाहिक जीवन में बना हुआ था तो वो यहाँ दूर होगा, आपके संबंध सुधरेंगे, आपके संबंधों में मजबूती इस समय आने की संभावना बनती है। 18 सितंबर के बाद आपके वैवाहिक जीवन में तनाव थोड़ा बढ़ सकता है, आपको थोड़ा संयम रखना होगा। यहाँ पर यह तनाव आपके अधिक वर्कलोड के कारण भी हो सकता है। तो ये था आपके परिवार संबंधित सितंबर का महीना कैसा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उन महत्वपूर्ण उपायों की जिन्हें सितंबर के महीने में करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। आप 13 सितंबर को प्रातः 6:40 से शाम 6:20 के बीच एक काले रंग का कपड़ा लीजिए, तिल का तेल लीजिए और काली उड़द की दाल किसी गरीब को दान आपने अवश्य करनी है। इस समय का और स्थिति का विशेष ध्यान रखें, यह आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। आप 21 सितंबर को प्रातः 6:50 से शाम 5:55 के बीच हल्दी, चने की दाल और पीला वस्त्र किसी मंदिर में अथवा किसी गरीब को दान अवश्य करें। वर्तमान समय में शनिदेव आपकी कुंडली के अष्टम भाव में है। आप शनिदेव के बीज मंत्र का जाप जो है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप आपने रोज 108 बार अवश्य करना है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, आप रोज सूर्यास्त के बाद कुत्तों को अथवा मछलियों को भोजन अवश्य करवाएं। जिन जातकों का विवाह नहीं हो पा रहा है उन्हें 4 सितंबर और 18 सितंबर को प्रदोष व्रत करना है। इस दिन आप सूर्य उदय होने से पूर्व उठें, स्नान करें, शिव मंदिर जाएं, वहां बैठकर आपने 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आपने करना है। इस दिन आप शिव चालीसा पढ़ें, छोटी कन्याओं को भोजन खिलाएं, इससे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। विवाह आदि में जो भी अड़चने आप फेस कर रहे हैं वो आपकी दूर होती दिखाई देंगी। तो ये थे वो महत्वपूर्ण उपाय जिन्हें सितंबर के महीने में करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। तो ये था मिथुन लग्न के जातकों के लिए सितंबर 2021 कैसा रहेगा। शनिदेव आप सभी लोगों पर अपना आशीर्वाद बनाकर रखें। धन्यवाद।